आज कौन दुखिया है, कौन है जिसने चिता में अग्नि लगाने की जरूरत की है कि यहां पर तो 125 रुपया और मुर्दे का कफन दिया जाता है जब चिता में अग्नि लगाई जाती है। तू कौन है मैं पूछना चाहता हूं। आप मुझे नहीं जानते, इतने अन्यायी आप कैसे बन सकते हो महाराज? आप मजाक कर रहे हो या आपकी कोई मजबूरी है जो आप अपनी रानी अपनी प्याही तारा को पहचानने से इनकार कर रहे हो महाराज? कौन तारा? मैं किसी तारा को नहीं जानता। याद कर ले उस वर्णा नदी के घाट पर में घड़ा ठाने के लिए नाट गई थी, तू वही तारा है? हाँ महाराज, मैं वही तारा हूँ। लेकिन उस दिन मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी, मैं 3 वचनों में बंधी हुई थी महाराज, क्योंकि आप एक भंगी के घर नौकरी करते थे और मैं एक ब्राह्मण के घर रहती थी महाराज। उस दिन तेरी मजबूरी थी, आज इस हरिया की मजबूरी है महाराज। ये जो आप देख रहे हो, तारावती न्यू कहने लगी हरिचंद से, और थी भी तारा हूं भी तारा, थी भी तारा हूं भी तारा, पर सितारा सो गया आसमां में बढ़कर ये किनारा हमारा खो गया। जिसको पाला नाज से वो सितारा सो गया, एक जैनम के खरीदारों ने मेरा सितारा खो गया। भाई एक बार जोरदार ताली से स्वागत करेंगे, जोरदार ताली से महाशिव जी का। ये जो आप देख रहे हो अपनी आंखों से महाराज, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये जो स्वयं आप अपनी आंखों से देख रहे हो, ये कोई गैर नहीं, ये आपका अपना रोहित पुत्र है महाराज। और आप कंठी चीर की बात करते हो, आप स्वयं देख रहे हो कि मुझ दुखिया के पास कुछ भी नहीं है महाराज। हे तारा कहिएगा, मैं तो केवल ये जानता हूँ कि मैं उस काली अभंगी का नौकर हूँ और उसकी ड्यूटी बजाता हूँ, उसका हुक्म है 125 रुपया और मुर्दे का कफन तुझको देना पड़ेगा। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कह दे अपनी बात। सुनेगा जमावे पिया रानी तेरी में, सुरानी तेरी में, अरे घाट पे है समझ गया सारी जोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी में, रानी तेरी में, और घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी में, कहानी तेरी में, जोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी में, रानी तेरी में। सुरानी सत्संगी हूँ वो चुके दीना घड़ा उठाऊं, मिसरानी सत्संगी हूँ, रवकत पड़े पे कुछ भी कह ले मैं तेरी अरदंगी हूँ। अरे नाराजा वो नाराजा ना रहा हरी चंदे तेरी नजर में भंगी।
की हूँ। हरि नारा जान रहा हरि चंदे तेरी नजर में भंगी हूँ। समझ गई पिया लाभ, समझ गई पिया लाभ, हानि तेरी में, हानि तेरी में। और घाट पे समझ गया से तारा कहती है, क्या हरिचंद जवाब देता है? महाराज, मैंने तो ये सोचा था कि आज दुख की घड़ी में आप मेरा साथ दोगे, लेकिन आज तो आपने पहन सामने से भी इनकार कर दिया। महाराज, मैंने तो रानी तुझे बताया कि मैं कालिया भंगी का नौकर हूँ और मेरा फर्ज है 125 रुपया और मुर्दे का कफन मुझे चाहिए। कह दे अपनी बात। चला गया हो ओ कान्हा, मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। वो मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट जाए। 100 रुपए सतपाल जी और 100 रुपए पहले, 100 रुपए फिर संजय हमारे भाई ढोल वाले वो भी देते हैं बार बार धन्यवाद, और 50 रुपए। महाराज कहिए रानी। ये तो आप भी जानते हो कि हमारे कुल का एक ही चिराग था, वो भी आज भगवान को प्यारा हो गया। आप कंठी चीर की बात करते हो, अगर आपका यही और आपके मालिक का यही हुक्म है तो मैं आप
आपको कंठ सिर अवश्य दूंगी महाराज। मुझे तो केवल 125 और मुर्दे का कफन चाहिए रानी। हे महाराज, आप क्या उस मां का दुख समझेंगे जिसका इकलौता चिराग बुझ गया हो। सुनेगा मेरी बात। ये बात तारा बोल रखी मेरा वो सवर कबूर देखा कफन तारा बोल रखी मेरा ने मैं कंठी ले जा एक रुपये में चीर मेरा और जा काले को दे दूंगा ना इसमें साजा सिर मेरा वो जा काले को दे दूंगा ना इसमें साजा सिर मेरा कैसे जलाऊं कुल की निशानी तेरी में और घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी में चोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी में आइए किस तरह से कैसे चौथी कली के माध्यम से क्या बताएं। मैं आपसे लास्ट बात कहना चाहूंगी कि अगर मेरे कंठी और चीर देने से आपका धर्म बचता है तो महाराज ये आपकी पत्नी आपकी ब्याही तारा अपने बेटे और आपकी परवाह नहीं करेगी और आपको हंसते हंसते अपना कंठी चीर दे दिया। आप अपना धर्म बचाइए महाराज। हे तारा कहिएगा, मैंने तेरे को बताया था कि मैं कालिया भंगी का नौकर हूँ, उसकी नौकरी करता हूँ और आज उसके हुक्म का मोहताज हूँ। जैसा भी वो कहेगा वैसा मैं करूंगा। मैं आज राजा नहीं रहा, राजा से रंक हो गया जी महाराज। अपनी बात कहते तुम ही मेरे मंदिर तुम ही मेरी पूजा तुम ही मेरे मंदिर तुम ही मेरी पूजा प्रेमी साथियों सजनों, ये धर्म की बात थी। कौन नहीं जानता कि ये तारा है, कौन नहीं जानता था कि ये रोहतास है। इकलौता लाल था राजा हरिश्चंद का, पहचान तो लिया लेकिन एक धर्म की बात थी। प्रेमी साथियों, एक धर्म के कारण अपने बेटे और घरवाली को मना कर दिया और यूं कहने लगे कि रानी जैसे भी परमेश्वर तुझे रखे वैसे रहना पड़ेगा। उस परम पिता परमात्मा सबकी लाज रखता है। आज मेरे धर्म की बात है, उस दिन तेरे धर्म की बात थी। आज तेरी परीक्षा है, उस दिन मेरी परीक्षा थी घाट पर। अपनी बात कह दे रानी, क्या कहना चाहती है। ये बात
सबको सी झुकइए तू गुरु शरण दास जानू शरण दास जानू सेवा ठाणी तेरी में ठाणी तेरी में और घाट पे समझ गया